कोलकाता रेप मामले को लेकर पूरा देश उबल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के सिर पर अब तक सत्ता का नशा चढ़ा है। रेप और हत्या के दोषियों को बचाने में ममता बनर्जी अब तक जी जान से जुटी हुई हैं। इतना ही नहीं, मामले की सच्चाई को छिपा रही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं को बोलने पर भी पाबंदी लगा दी। जो ममता का फरमान है वो जैसा कहे वैसा ही पार्टी के नेता भी बोले, लेकिन टीएमसी के एक बड़े नेता का जमीर आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेन डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के बाद जाग गया। उसने सारी सच्चाई सामने खोल कर रख दी। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी ने उस नेता को पद से हटा दिया। टीएमसी प्रवक्ता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य शांतनु सेन ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में वो अपनी पार्टी का बचाव नहीं करेंगे। मेडिकल कॉलेज में गिरोह सक्रिय है। उनके इस बयान के बाद टीएमसी ने उनको पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। दरअसल टीएमसी के प्रवक्ता रहे शांतनु सेन ने कहा कि इस मामले में अपनी पार्टी का बचाव नहीं करेंगे। इस आरजीकर कॉलेज में पठन पाठन का काम कूड़ा बन गया है। बाकायदा एक गिरोह का इस कॉलेज को चलाया जाना, मेरी बेटी भी एक पीड़िता है क्योंकि वो इस गिरोह में शामिल नहीं हुई। राज्यसभा के पूर्व सांसद शांतनु ने आगे कहा कि अगर आप इस गिरोह को तेल नहीं लगाते तो आपको टारगेट किया जाता है, और अगर आप तेल लगाते हो तो आप चाहे जो कर सकते हो। आपको किसी खास प्रोफेसर का नाम लेने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर आप उनके गुड बुक्स में हैं तो आप परीक्षा में नकल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सवाल उठाएंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा। और फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए शांतनु ने कहा कि सरस्वती पूजा के एक दिन पहले मेरी बेटी भी प्री पूजा सेलिब्रेशन के लिए कॉलेज गई थी, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी उस गिरोह का हिस्सा नहीं थी इस कारण उसको उसमें शामिल नहीं होने दिया गया। कोई भी उससे बात नहीं करता और ना ही उसके साथ पढ़ाई करता। सेन ने यह भी आरोप लगाया कि इस कॉलेज का स्तर गिराने के लिए पूरी तरह से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष जिम्मेदार है, और ये वही प्रिंसिपल है जिसने घटना के बाद अपनी मर्जी से इस्तीफा दिलवाया गया, और फिर ममता बनर्जी ने तत्काल उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, लेकिन हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उसे लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन बीते 3 साल से प्रिंसिपल की वजह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। उसके इस बयान के बाद टीएमसी ने शांतनु को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। टीएमसी ने कहा कि शांतनु आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एंटी सोशल एक्टिविटीज में लिप्त है। शांतनु विरोध प्रदर्शन कर से बच्चों के साथ दिखे थे और इससे पहले भी राज्यों में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थिति को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।